Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do Glimpse of the Past from Honeydew Book, Grade 8, CBSE. अब अपने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं. Here are some pictorial glimpse of the history of our country from 1757 to 1857. ये वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको हमारी जो कंट्री की हिस्ट्री है उसकी कुछ इमेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि 1757 से 1857 तक के बीच की है. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस. इन पिक्चर्स और स्पीच बबल्स की मदद से आपको ये समझने में आसानी होगी उन कंडीशंस के बारे में दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. जब उस समय कैसे हालात रहे थे, क्या हुआ था और जिसकी वजह से पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1857 में, उसको जानने के लिए हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और कुछ स्पीच बबल्स दिए गए हैं. सबसे पहली इमेज जो है वो है द मार्टियर्स यानी शहीदों के बारे में. एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ये उस समय के पिक्चर दिखा रहे हैं जब एक फंक्शन हो रहा था दिल्ली में. ओ माय कंट्रीमैन, लेट योर आईज filled with tears as you recall the sacrifices of the Indian martyrs. ये वो बताती हैं, ये एक सॉन्ग था जिसमें ये बताया गया कि मेरे देशवासियों, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे जब तुम उन शहीदों के बारे में सोचोगे जिन्होंने इंडिया के लिए अपने आप को शहीद कर दिया या इंडिया के लिए अपनी जान दे दी. दूसरी पिक्चर है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, ये बात कर रहे हैं 1757 से 1849 के बीच की. विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास काफी आधुनिक हथियार थे और जिसकी वजह से वो 18th सेंचुरी में इंडिया में अपनी धीरे धीरे पावर बढ़ाती चली जा रही थी. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जितने भी इंडियन राजकुमार थे या प्रिंस थे उनको जो है गोली मार दी जाती थी. दैट अपस्टार्ट्स राजा बाह, अब ये बहुत अच्छी शुरुआत है. राजा बाह कॉल द इंडियन इंग्लिश मर्चेंट्स, जितने भी इंग्लिश मर्चेंट्स हैं उनको बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, अब वो मेरी मदद करेंगे उसको हराने के लिए. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और क्योंकि ये लगातार लड़ाइयां हो रही थी इस वजह से लोगों को कहीं पर भी शांति नहीं मिल रही थी. द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, ये जो आपस की दुश्मनी थी इससे बहुत ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ और जिसकी वजह से एक एक करके उन्होंने सारे जितने भी इंडियन प्रिंस थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था. अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, एक रूलर थे मैसूर के टीपू सुल्तान जो कि बहुत ही बहादुर थे और वो तब तक ब्रिटिशर्स से लड़ते रहे जब तक कि उन्होंने आखिरी सांस नहीं ले ली. थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स, चलो फाइनली अब हमारी कंट्री में शांति हुई, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना ही कोई ठग किसी की लूट कर रहा है. इज इट गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, क्या ये भगवान थे जिन्होंने ब्रिटिश को भेजा था. आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारी किस्मत तो उनके साथ जुड़ गई है. हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, बेसिकली ये बताया गया इन पिक्चर्स के थ्रू कि इंडियंस जो थे उनके रिएक्शंस कैसे होते थे हर जीत के बाद. द व्हाइट मैन हैज किल्ड और डीथ्रोन्ड आवर किंग्स, कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना था कि जो अंग्रेज हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारे ज्यादातर राजाओं को मार दिया है या उनको उनके तख्त से उतार दिया है. सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, इसमें से कुछ राजा जो हटाए भी गए वो अच्छे नहीं थे पर फिर भी थे तो इसी धरती के. नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम लोग क्या हो गए, एक तरह से जो विदेशी है उनके गुलाम बन गए हैं. ये उन लोगों की फीलिंग्स थी, उन इंडियंस की फीलिंग थी जो उस समय हर जीत या हर लड़ाई के बाद रिएक्ट करते थे.
तीसरा था ब्रिटिश रूल 1765 से 1836 में। अब इस समय क्या हो रहा था, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। इस समय जो धार्मिक नेता वगैरह थे या जो रिलीजियस हमारे लीडर्स थे वो अछूत और जो बच्चों की शादी है यानी चाइल्ड मैरिज है उसके ऊपर उस तरह के अपने आइडियाज व्यक्त कर रहे थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, जो भी समुद्र को लांघेगा वो अपने धर्म को खो देगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, कुछ लोगों का ऐसा सोचना था कि दुनिया में जितनी भी परेशानी आ रही है वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबल जो है उसके लिए वुमेन है। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। असली सच्चाई ये थी कि अब इंडियंस जो हैं वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे और ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से उनको एक तरह से मजबूर कर दिया था। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, यहाँ के लोग जो हैं ना तो उन पे भरोसा किया जा सकता है और ना ही उनके वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो आपस में बोल रहे हैं कि भाई यहाँ के जो नेटिव्स हैं या यहाँ के जो लोग हैं इन पे ना तो हम भरोसा कर सकते हैं ना ही वो अब ऑनेस्ट रह गए। तो जो उसमें से ही नेटिव जिनकी बात कर रहे हैं उन्हीं में से एक बंदा आके बोल रहा है कि हाँ बात ये बिल्कुल सही है पर मैं जो हूँ बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिशर्स वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। अब क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये एक तरह से मर्चेंट्स थे और ये चाहते थे बहुत जल्द से जल्द उनको हर चीज में फायदा मिले, तो इसकी वजह से उन्होंने किसानों पे बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए थे या ज्यादातर किसानों को अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी थी। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, उनमें से एक आदमी जो है वो ब्रिटिशर से कह रहा है कि तुम्हारा आदमी जो है मेरी सारी फसल ले जा रहा है। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो ब्रिटिशर ने जो है उस आदमी से कहा तुम अभी भी कर्ज में हो, अगर तुमने मेरे को पैसा नहीं चुकाया अगले हफ्ते तो मैं तुमको जेल में डाल दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स व्हिच गिव देम मोर प्रॉफिट्स, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स ने इतने सारे तरीके निकाले जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इंपोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं इंग्लैंड में उनके ऊपर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए अगर उनको इंडिया लाया जाता है। गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और ये जो लॉज ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही थी इसे इंडियन इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था। इनएविटेबली फैमिन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन, बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा था। 1822 से लेके 1836 तक लगभग 15 लाख इंडियंस जो हैं वो भूख के कारण मर गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइन द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, अभी जो ब्रिटिश की पॉलिसीज आई थी उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो यहाँ के इंडिया के आर्टिसंस थे जो स्किल्ड लेबर थी उनका जो काम धंधा था वो सब पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833 तक। राम मोहन रॉय अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, जो राम मोहन रॉय थे वो एक बहुत ही लर्नेड आदमी थे, बंगाल से बिलोंग करते थे और वो ये समझ रहे थे कि हमारी कंट्री के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज अवरसेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, हमें अपने आप को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, हमारा अपना कल्चर जो है बहुत अच्छा था। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम इससे कहीं ज्यादा अचीव कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, सबसे पहले तो हमें अपनी ही सोसाइटी को बदलने की जरूरत है, हमारी खुद की जो सोसाइटी है वो अंधविश्वास के कारण खराब हो रही है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ द मिल्क इज सेम, गायें जो हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं पर वो जो दूध देती है वो एक ही रंग का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, हर टीचर जो है अलग तरीके से अपनी ओपिनियन को बताता है पर जो उसका कहने का सार होता है चाहे वो किसी भी धर्म का सार हो
वो एक ही होता है। He was attracted by the science and modern knowledge. उनको साइंस और मॉडर्न नॉलेज ने बहुत ज्यादा आकर्षित किया था। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उनका ये मानना था कि ये जो नॉलेज है ये प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने नए अखबार भी चलाए, पर क्योंकि ब्रिटिशर्स को उनके ऊपर शक था, इसलिए उन्होंने उन अखबारों को बंद कर दिया 1823 में। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. फिर उन्होंने वो क्या किया? वो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए और वहाँ उन्होंने जाकर देखा कि क्या वजह है जो ब्रिटिशर्स इतने ताकतवर हैं। There he told them, वहाँ जाके उन्होंने कहा, We accept you as rulers and you must accept us as subjects. हम तुम्हें अगर अपना राजा मानते हैं तो तुम्हें भी हमें अपनी प्रजा की तरह एक्सेप्ट करना होगा। But you must remember the responsibility of a ruler owes to his subjects. पर आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक राजा की जिम्मेदारी उसके जनता के प्रति होती है।